नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु सिंह, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। आज हम आए हैं अयोध्या जनपद के विकास खंड माया के ग्राम सभा अमारी में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी तथा प्रधान पद के उम्मीदवार के तौर पर कौशिक सिंह धीरू जी। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में। धीरू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। धीरू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आराम से भाई साहब, सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। मेरा नाम है कौशिक सिंह धीरू जी, ग्राम सभा महाराज हमारी हमारी जी जी। और सब प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं सुनने में आया है। जी जी जी, इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में जो मैं बैंक में जा भी करता हूँ और कार्यरत हैं, कार्यरत हैं। और मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्रवासी तथा ग्रामवासी को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तथा हमारे जो यंगस्टर हैं मैं उनकी उज्ज्वल भविष्य कामना करता हूँ। समाज सेवा में आने का कब से सोच है, कब से मूड बना, क्या काम? देखिए, ये हमारा जो है एक होता है ह्यूमन नेचर। ये हमारे जो है बाप दादा, हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे परिवार जितने लोग हैं सब एक ही समाज सेवा काम करते रहते हैं जी। तो ये ह्यूमन नेचर है हमारा। यही ये तो आज की बात है कि हम प्रधान पद के प्रत्याशी चले आज घोषित हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम बचपन से ही जो है हमारा काम था कि आदमी के दुखित या दुख में हमेशा साथ रहते थे, जनता के बीच में कोई कुछ कहता तो हम ना नहीं कर सकते थे। तो हमारे मन में एक बार ये भावना उत्पन्न हुई कि अगर कुछ करना है तो कुछ पद के हिसाब से अगर रहेगा तो तभी कुछ काम हम कर सकते हैं। इसीलिए इस बार जो है सन 2021 में अगर समाज सीट आया तो मैं जो है चुनाव लड़ूंगा, जनता के बीच में आएंगे, जनता के लिए कुछ और करने को सोचेंगे। क्या जनता के बीच में क्या वादा लेके उतरेंगे? वादा क्या है? वादा तो बहुत, हाँ वादा तो बहुत कुछ है। आदमी भाई कहते बहुत कुछ लोग हैं लेकिन करता कोई कोई ना है। मैं यही सोच रहा हूँ कि इस बार अगर यह पद आ गया मेरे हाथ में तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो ग्राम सभा है वो जो है एक सिटी मॉडल दिखे। यहाँ के प्ले ग्राउंड हो, एक अच्छी सड़कें हों और अच्छा विकास हो, लाइटें हों, सफाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। फिलहाल मेरा गांव जो है रोजगार के मामले में काफी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे जो है लड़के यहाँ शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं जी। समाज सेवा आपने कोरोना काल में क्या जनता के लिए कुछ किया? देखिए, कोरोना काल में एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ जो है जो हमारी ग्राम सभा के लोग हैं जो है यहाँ पे जो है कोई चीज़ कंजेस्टेड नहीं है। यहाँ पे खाने पीने कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे लोग जब आर्मी टच में रहते हैं तो उसका मदद तो हमेशा होता रहता है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सबको किसी किसी हिसाब से मिल जाता है जी। और रही मेरी बात तो ये आज के युग इकोनॉमिक युग होता है, उसको पैसे की जरूरत होती है भाई। जो मेरी जितनी हैसियत है लोग आते रहते हैं तो मैं जो है अगर मुझसे जो मदद मेरे पास रहता है व्यवस्था मैं हमेशा करता रहता हूँ। चाहे दिन हो यहाँ से कि लखनऊ, फैजाबाद, किसी को जरूरत हो अगर मुझसे कहा तो मैं ना नहीं कर पाता हूँ जी। ठंडी का समय चल रहा है, गरीब तबके के लोग कहीं मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके रहने के लिए घर नहीं होता है ना सोने के लिए, तो उनके लिए अभी ठंडी में कुछ आपकी तरफ से कुछ सहायता? जी, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं हुई है और कि हम कुछ व्यवस्था कर सकें। आगे हम सोचे हैं कि हमारे जो पहले तो मैं यही सोचा हूँ कि हमारे जितने गाँव के जो डिसेबल हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विडो हैं और जिसके पास घर नहीं है, लोग आते रहते हैं तो मैं जो है अगर मुझसे जो मदद मेरे पास रहता है व्यवस्था मैं हमेशा करता रहता हूँ। चाहे दिन हो यहाँ से कि लखनऊ, फैजाबाद, किसी को भी जरूरत हो अगर मुझसे कहा तो मैं ना नहीं कर पाता हूँ जी। ठंडी का समय चल रहा है, गरीब तबके के लोग कहीं मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके रहने के लिए घर नहीं होता है ना सोने के लिए, तो उनके लिए अभी ठंडी में कुछ आपकी तरफ से कुछ सहायता? जी, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं हुई है और कि हम कुछ व्यवस्था कर सकें। आगे हम सोचे हैं कि हमारे जो पहले तो मैं यही सोचा हूँ कि हमारे जितने गांव के जो डिसेबल हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विडो हैं और जिसके पास घर नहीं है, तो पहले तो उनको मैं हक दिलाऊंगा। ये मेरा पहला सर्वप्रथम पर्पज है कि मैं ये काम जरूर करूँगा। और इसके बाद बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हमारे गाँव में नहीं है, मैं ही सोचा हूँ। सरकार की प्राथमिकता, सरकार का भी ऐलान हुआ कि अगली बार जो पंचवर्षीय है ये ग्राम प्रधानों से कि हर ग्राम सभा में खेल मैदान और ओपन जिम का जी। फिलहाल अगर वो सरकार नहीं भी करती है फिर भी चाहे मुझे अपना पैसा लगाना पड़े मैं ये काम जरूर करूंगा। जमीन आवंटित है कि नहीं? आवंटित है हमारे यहाँ जो है एक बगल हमारी जो है जमीन है वहाँ पे जो है जी ग्राम समाज है तो वहाँ जो है मैं प्ले ग्राउंड बनाऊंगा और बच्चों के लिए जो है सारी व्यवस्था मैं करूंगा जी। जनता के लिए
अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जनता आपको चुनती है, आपकी प्रधान सरकार बनाती है, तो जनता के लिए क्या कुछ करने को सोचे हैं, चाहे वो शिक्षा, रोजगार हुआ या कुछ अन्य चीजें हुई? देखिए, मैं जो है शासन तो नहीं, रोजगार तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन शिक्षा नीति जो है थोड़ी बदलूंगा, और इसके बाद जो है उत्साहित करूंगा लड़कों खेल में जो है आगे बढ़ना, और इसके बाद जो है गांव का जो है जो युवाओं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनको जो है मतलब कि एक प्रेरणा दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट रह चुका हूं, तो मैं जो है समय दूंगा अपने क्षेत्र में कि आप लोग अगर पढ़ाई के साथ से खेल भी ध्यान देंगे तो जो है यहां से आगे बढ़ने का चांस मिलेगा आपको आगे चल कर जो है। जी, गरीब तबके लोगों के लिए क्या सोचे हैं अगर सरकार बनती है आपकी? सबसे पहले गरीब तबके जो है ये सोचा हूँ कि सबका हक जो जितना मिलता है वो उसको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हम जी, अगर जिसका जो हक है वो मिलेगा। बहुत से प्रधान होते हैं, आते हैं तो वादा तो बहुत रहता है, लेकिन आते हैं कि जैसे आवास वास में तो उनकी मांग रहती है, पहले अपना ही अपने बारे में सोचते हैं, फिर गरीब तबके। नहीं, भगवान मुझे इस काबिल क्या इस तरीके से नहीं भगवान मुझे इस काबिल किया है कि मुझे किसी हक नहीं लेना है। और रही बात समाज में सेवा करने का, यही मौका है मेरे पास। वैसे तो आदमी भाई जब तक प्रधान जो जिसका हक मिलता है ये कमीशन लेना वगैरह, किसी का हक ले लेना, फिलहाल अभी तक तो मेरे दिमाग तो ये सब नहीं आता चीज़ कि इसे क्या होता है। भाई जब आवास के लिए पता लगा 1,20,000 मिलता है, 20,000 से प्रधान का 20,000 ले लेते हैं, तो अगर 35,000-40,000 ले लेंगे वो बनाएगा क्या, इसके बाद जो है वो करेगा क्या, बताइए, कमरा तो एक तैयार भी नहीं हो पाएगा उसका। तो ये फिलहाल हम इससे बहुत दूर हैं। ये अभी यहाँ इससे पहले कुछ दिन पहले 25 तारीख को शासनकाल प्रधान का समय, तो वर्तमान प्रधान कौन थे यहाँ के? हमारे ओमनाथ सिंह थे, जो है ग्राम सभा में जी के द्वारा। कुछ गरीब तबके के लोगों को कुछ लाभ मिल पाया कि? देखिए, परसेंटेज में कह सकते हैं भाई लगभग 15-16% हमारे गांव के जो विकास हुआ है जी। और इसमें क्या कहें, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। नाली खड़ंजे वगैरह का निर्माण कराया लगभग 8%। भाई गर्मी गाँव में आते थे कि नहीं उस समय उनके शासनकाल में? नहीं, आते थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आते थे जो है, जब 1-2 महीने में जो है कहीं स्कूल में, कहीं रोड पे जो घास फूस, कचड़ा, कूड़ा, नाली, तो वो आपके साफ अप करते थे। नाम मतलब इनके शासनकाल में नाम मात्र का काम हुआ है जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा अमारी के कौशिक सिंह धीरू के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी और प्रधान पद के उम्मीदवार। इन्होंने अपने बारे में बताया, यदि इनकी सरकार बनती है, इनको गांव की जनता चुनती है, इनको प्रधान चुनती है, तो आगे जो भी सरकार की निर्देश गाइडलाइन आएगी, गरीब तबके के लोगों तक जो भी उनकी अवधारणाएं होंगी उसको पहुँचाया जाएगा। हम भाई साहब को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीत के आए, गाँव के बीच में जनता का विकास करें।